अपनी निराशा को दूर करने के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को सीढ़ी बनाएं, इसे मंदिर की तरह पवित्र बनाएं, तो आपका आहार शुद्ध रहे, कम खाएं और साथ ही साथ योग की क्रियाओं के द्वारा आप अपने आप को शुद्ध कीजिए। इसके बाद जो कोश है जिसे प्राणमय कोश कहा गया, यह कोश हमारे आभा मंडल का निर्माण करता है। हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे आभा मंडल से प्रकट हो जाती हैं। जो शांत आभा मंडल वाले व्यक्ति होंगे उनके पास व्यक्ति आकर शांत हो जाता है। जिनके शरीर में पवित्रता होगी उनकी पवित्रता का आभास हो जाएगा। जो अंदर से मलिन हैं, गलत सोच वाले व्यक्ति हैं, जिनकी रगों में, जिनके प्राणों में नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं, ऐसे व्यक्ति जब किसी के साथ बैठते हैं तो दूसरे व्यक्ति के अंदर इरिटेशन पैदा होने लगती है। आपका मन नहीं करेगा बैठने का। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ आकर बैठे और थोड़ी देर बाद आपको लगा कि मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और कई बार किसी के साथ बैठकर घंटों तक आप बैठे रहें, पता भी नहीं लगता समय का। इसका अर्थ है कि आपका आभा मंडल उस व्यक्ति के साथ मैच करता है या उसके साथ मैच नहीं करता। जो पवित्र आभा मंडल वाले व्यक्ति होंगे वो वैसी ही पवित्रता को फैलाते हैं और वैसे ही लोग उनके आसपास एकत्रित भी होते हैं। तो अपने अंदर पवित्रता को पैदा करने के लिए और अच्छा आभा मंडल बने, इसके लिए अपने प्राणमय कोश पर काम करें। अब प्राणमय कोश पर कैसे कार्य किया जाता है? हमारे प्राण हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह एक्सपेंडेबल हैं, यानी कि यह शरीर से बहुत दूर तक विस्तार पाते हैं और बहुत जल्दी सिकुड़कर अंदर की तरफ भी आते हैं। जब आप डरते हैं तो आपका आभा मंडल सिकुड़ जाता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आभा मंडल आपका फैल जाता है। जो लोग दैविक शक्तियों से संपन्न होते हैं उनका आभा मंडल हमेशा फैला हुआ होगा। कई लोगों पर उनके आभा मंडल का प्रभाव पड़ता है। जो लोग हीन भावनाओं से ग्रस्त होते हैं उनका आभा मंडल छोटा हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा गया है, यानी कि आपका चुंबक शरीर का मैग्नेट और आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी, शरीर के अंदर भी विद्युत है, तो हमारा विद्युत और हमारा मैग्नेट, ये दोनों चीज़ें आभा मंडल के अंदर होती हैं। इसे जो लोग बहुत अच्छा व्यक्तित्व जिनका होता है हम उन्हें कहते हैं चुंबकीय व्यक्तित्व है, यानी बहुत जल्दी खींच लेते हैं अपनी ओर। तो इसका मतलब हुआ आभा मंडल पवित्र है, प्राण ऊर्जा ज़्यादा है। प्राण ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति उतना उत्थान करता है, उतनी सफलता उसे ज़िंदगी में मिलती है। बहुत से लोग थोड़ा सा काम करके थक जाएंगे, घर आकर इरिटेशन होती है, गुस्सा अपने परिवार पर उतारते हैं और अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। और कई लोग घंटों घंटों तक काम करते हैं उसके बाद भी ऊर्जा से भरे रहते हैं, उसके बाद भी शरीर में इतनी जान और ताकत होती है। इसका मतलब है प्राण बहुत स्ट्रांग हैं। तो हमारे प्राणों में शक्ति आए इसके लिए प्राणों पर कार्य होना चाहिए, प्राणों की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। यह प्राणायाम के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा पाया जाता है। यह प्राण साधना अलग अलग चरणों में होती है और आम व्यक्तियों के लिए शुरुआत में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इसके शुरू में चार चरण होते हैं। एक होता है सांस को अंदर खींचना, जिसे इन्हेलेशन कहेंगे, यानी कि पूरक। तो सांस हम अंदर भरें, गहराई से सांस अंदर जाए, ये आपका पूरक हो गया।
इसके बाद आता है सांस को बाहर की तरफ फेंकना, जिसे कहेंगे रेचक यानी एक्सलेशन। सांस बाहर की तरफ आपकी जा रही है, तो सांस अंदर आए, सांस बाहर जाए, ये दो चरण। अब इसके बाद आता है सांस को अंदर लेके सांस को रोक लेना, जैसे घड़े में पानी भर लिया जाता है, पानी को बाहर नहीं जाने दिया जाता, ऐसे ही वायु शरीर में जाती है और उसके बाद वायु को रोक लिया जाता है। इसके उपरांत जैसे वायु को रोका, इसे कहेंगे आभ्यांतरक कुंभक, यानी कि आपने कुंभक किया, अंदर होल्ड किया अपनी सांस को। इसके बाद आता है सांस को बाहर जब फेंक देते हैं, फिर सांस को अंदर नहीं आने देते, यानी घड़ा बिल्कुल खाली है, शरीर खाली है, अंदर वायु नहीं है, यह भी एक प्रकार का कुंभक माना जाता है। तो एक कुंभक है जब सांस को अंदर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते, और दूसरा कुंभक है कि जब सांस पूरी बाहर चली जाए तो सांस को अंदर प्रवेश शरीर में नहीं करने देते। तो ये चार चरण हैं जिसे फोर स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है, और यह प्राण साधना की शुरुआत है। यदि इसको साध लें आप, तो पूरे शरीर में ऊर्जा का विकास होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में, आपके नेत्रों में, आपकी वाणी में, आपके कार्यों में ऊर्जा आएगी।